नौ दिन खान आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। समाजवादी पार्टी के ठाणे जिला अध्यक्ष वसीम सैयद एक ऐसा चेहरा जिसे लोग उसके काम से जानते हैं। कब्रिस्तान के मुद्दे को हमेशा गंभीरता से लेते हुए अपनी आवाज बुलंद करते हैं। कब्रिस्तान के मुद्दे को लेकर वसीम सैयद ने पैदल मोर्चा भी निकाला था। इस मोर्चे में वसीम सैयद मुमरा से ठाणे कलेक्टर ऑफिस तक पैदल गए थे। वसीम सैयद इसके अलावा अपनी बात सोशल मीडिया में भी रखते हैं, मगर पिछले दिनों वसीम सैयद ने फेसबुक पर टिप्पणी की, जिसके बाद उनके खिलाफ मुंब्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। इस शिकायत में वसीम सैयद पर दंगा भड़काने का आरोप लगा है। उन पर 153A के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद वसीम सैयद की चर्चा पूरे शहर में हो रही है। एक बटुक जा। नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं सोशल मीडिया पर जिस तरह से कुछ दिनों से पोस्ट किए जा रहे हैं उसको लेकर मुंब्रा पुलिस ने अब कमर कस ली है। डीसीपी डॉक्टर स्वामी ने कहा है कि सोशल मीडिया पर कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो शहर का माहौल खराब करने में लगे हैं, इसलिए लोग किसी भी ऐसी पोस्ट पर ध्यान ना दें जो गलत तरीके से पोस्ट की गई हो। डीसीपी स्वामी ने कहा कि सोशल मीडिया पर अगर अब किसी भी तरह गलत तरीके से टिप्पणी की गई तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।